खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, आपने पालक और पनीर बहुत खाया होगा, तो यहाँ पर आज हम लोग पालक और अंडा कढ़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड ये पालक है, पालक को धो लिया अच्छे से हमने, और इसे हम बॉयल करेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो चलिए कुक करके फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पालक बॉयल हो चुका है, अब इसे हम पीस लेंगे। तो चलिए एकदम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो पीस के फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड ये मसाला है, गरम मसाला है, और थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्ची लिए हैं हमने, और लहसुन है, और इसमें हम हाफ टमाटर भी ऐड करेंगे। तो इसे हम पीस के फिर मिलते हैं। तो चलिए पीस लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड ये मसाला भी पीस के रेडी हो चुका है, और ये पालक भी पीस के रेडी हो चुका है, और ये अंडा है बॉयल करके इसमें कट लगा लिए हैं। तो फ्रेंड आप पालक पनीर बहुत खाए होंगे, तो आज अंडा और पालक खाइए, एक साथ में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड इसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंडा को फ्राई करें। तो फ्रेंड यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, और एक एक अंडा ऐसे डालेंगे आराम से धीरे धीरे, और इसे कलर ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे चला चला कर पलट पलट के कलर ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए फ्राई हो चुका है, अब इससे ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा वाइट और थोड़ा थोड़ा ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो ऊपर का लेयर थोड़ा सा मोटा मोटा लगता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें तेज़पत्ते का तड़का लगाएंगे। और इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज हमने एक प्याज लिया है, प्याज सबको बिल्कुल बारीक लिया है। और इस टाइम पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप यूज कीजिएगा। तो अब चलिए इसे कलर ब्राउन होने तक प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड यकीन मानिए कि ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, आप सिर्फ एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए, और बनाना भी बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बना सकता है। तो चलिए कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें हम लोग मसाले को ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं, और ये पीसा हुआ मसाला जो हमने पीसा है उसे ऐड कर लेंगे। और मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जब तक ये साइड साइड से तेल ना छोड़ने लगे तब तक फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं, चला चला के फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम पिसा हुआ जो पालक था उसे ऐड कर लेंगे, और इसके साथ में 2 मिनट तक हम इसके साथ में फ्राई करेंगे मसाले के साथ में। तो देखिए फ्रेंड कलर कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड आप भी ज़रूर बनाइएगा एक बार, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइएगा, ऐसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एक से दो मिनट पका लेते हैं, फिर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुक हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो फ्रेंड अगर आप पसंद आया तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा अपना ध्यान रखिएगा। तो देखिए रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग धनिया पत्ता मिक्स कर देंगे, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ढक देंगे, 5 मिनट बाद इसे हम लोग सर्व करेंगे। तो चलिए